अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीना हाउसवाइफ। कैसे हो सब? खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। सो न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी दोनों बेटियों का माशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत बहुत औसम आया है और इनका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मीन्स के स्कूल का, ये फ़र्स्ट टाइम स्कूल गए थे और बहुत ज़बरदस्त इनका रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट अच्छा आने की खुशी में इनके बाबा ने इन्हें दिया सरप्राइज़ डिनर और ये लेकर आए हैं चिकन रोस्ट। एक रोस्ट होता है जो उसके ऊपर क्रिस्पी वगैरह लगी हुई होती है और ये है चिकन रोस्ट। तो ये लेकर आए थे और साथ में लाए थे पराठे। बच्चों को अचानक से सरप्राइज़ दिया था, बच्चों को कोई आइडिया नहीं था कि बाबा आज खाने में क्या लेकर आएंगे क्या नहीं। अच्छा, जब से मेरा ज़ियान हुआ है तो हस्बैंड जो है ना ज़्यादा घर में पकवाते भी नहीं है, बाहर से लेकर आ जाते हैं, क्योंकि ज़ियान जो है ना बहुत तंग करता है, पकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या था कि ये बाहर से लेकर आ जाते हैं और हम खा लेते हैं। और फिर जब जाहिर है रात में हम बाहर का कुछ इस तरह खाते हैं तो फिर सुबह की टेंशन होती है नाश्ते में क्या खाएंगे। तो सुबह का इंतज़ाम शहजादे पहले से कर लिया था और ये लेकर आ गए थे माश की दाल। और ये देख सकते हैं बहुत यमी एंड टेस्टी स्मेल से तो लग रहे हैं। अब हम इसे ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं ये कैसे बना है। सो आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं। अच्छा, और दूसरा ये है, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमने अच्छा पढ़ा है और हमारे को इस तरह का मोटिवेशन करते हैं हमारे मम्मा बाबा। तो प्लीज़ इस तरह अपने बच्चों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और यहाँ पर जो है ये मिक्स सब्ज़ी का सालन है, ये मेरी देवरानी ने बनाया था जो कि उन्होंने भेजा है और अब हम खाएंगे खाना। और माशाल्लाह बहुत टेस्टी यमी से बने हुए हैं ये रोस्ट और मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ। यकीन जाने इनके बाबा को तो समझ नहीं आती है ऐसी जो है ना बारबेक्यू वाली चीज़ें, बट मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो जो है अब क्या था कि हम लोगों ने जब खा लिया, फिर उसके बाद बच्चों ने कहा कि बाबा हमारा दिल कर रहा है गरम दूध पीने का जो छुआरे वाला होता है। तो इनके बाबा ने कहा चलो चलते हैं और हम फिर गए और हम लोगों ने यहाँ पर मंगवा लिया था दूध और अब हम पियेंगे दूध। और बहुत टेस्टी था और यकीन माने बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि ना बच्चों के साथ घूमना फिरना खेलना कूदना, मतलब बच्चों के साथ बच्चे बन जाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम भी थोड़ा सा बच्चे बन जाते हैं बच्चों के साथ, बच्चे खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे ये दूध मंगा लिया हम लोगों ने, अब हम पियेंगे इसको। थोड़ा जो है ना ठंडा करने के लिए रखा है, बहुत ज़्यादा जो है ना हाई हीट में गर्म हो रहा था। और ज़ियान साहब सो रहे हैं, ज़ियान साहब को कोई आइडिया नहीं होता हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। बाद टाइम तो मैं इनको इनकी दादी के पास छोड़ जाती हूँ और आज ये लेकर आ गई थी इनको। और यहाँ पर देख सकते हैं शिफा बहुत शौक से यहाँ पर पी रही है दूध। और यहाँ पर शिफा और इशमल और अजान वेट कर रहे थे ठंडा होने का और अजान को मैंने पिलाया और इशमल ने अपने हाथ से खुद पिया। आई होप आज का आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट अच्छा सा कर दें। तक मेरी ब्लॉग में मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।